स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पर लक्ष्मीपुर से एक न्यूज़ आई है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अधिकारी खेल रहे चिट्ठी चिट्ठी, 17 वर्षों में नहीं बना स्कूल भवन, झोपड़ी में पढ़ाई। लक्ष्मीपुर, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान को लेकर सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा नित्य नए नए वादे किए जा रहे हैं। इन सब से इतर बच्चों के पठन पाठन को लेकर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारी उतने ही उदासीन है। मामला लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बीबा है। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय की स्थापना के 17 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक उक्त विद्यालय को एक भवन तक नसीब नहीं हो सका। भवन के अभाव में बच्चे पहले तो पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर थे, फिर शिक्षक व स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लकड़ी के खंभे के सहारे बनाई गई झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। सिर पर छत तो है, लेकिन गर्म हवा अथवा शीतलहर के झोंकों से बचने के लिए कोई दीवार नहीं है। बारिश के दिनों में तो बच्चों को झोपड़ी में खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि भवनहीन विद्यालय की यह स्थिति उस गांव की है जहां की आधी से अधिक आबादी महादलितों की है। ऐसी स्थिति महादलितों के उत्थान को लेकर बड़े बड़े दावे को यह विद्यालय आईना दिखा रहा है। भवन के लिए फाइल बनी पर नहीं मिली जमीन। भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग व अंचल कार्यालय के अधिकारी चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। विभाग के पास भवन निर्माण की फाइल बनी है। कई बार शिक्षा विभाग ने अंचल कार्यालय को जमीन की नापी कर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर पत्र प्रेषित किया, लेकिन ना तो जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और ना ही भवन निर्माण को लेकर विभाग की ओर से कोई ठोस पहल किया गया। इस बीच अधिकारियों का तबादला होता रहा और फाइल जहां की तहां बनी रही। यहां पर देख सकते हैं झोपड़ी में बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं, दरी पर, उधर कुर्सी लगी हुई है और गर्मी में लू की हवा लगती है, ठंडा में शीतलहर की ठंडी हवा लगती है, जिससे कि बच्चे का बीमार होना लगभग तय ही है। और बच्चे भी इससे कम ही आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। स्कूल में पहली से पाँचवीं तक की होती है पढ़ाई, पर सिर्फ और सिर्फ 50% मतलब 50 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे एडमिशन हुआ है। महादलित के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनको उनके उत्थान के लिए, पर ये जो स्कूल है ये आईना दिखा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीओ सर भी कहते हैं कि चूंकि मेरी पदस्थापना नहीं है इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी मिली है, जल्द ही अंचलाधिकारी से मिलकर मामले की जाँच की जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इसका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।